Mari beri versi kerana si kerja ni anda bling mereka ayam itu sing. Hey guys, cuba perang kita berenggok. Back with the new vlog. So guys, kaisa apa? Madia he, badia he, orang ini. Or jika tu bataiye, kya hal chal ap? Or jesse kaya ap jantih ye, ham apka brother, Param in command, Param chadda different deal ata vlog. Or aaj bi thoda different hai guys. Trying to like get something nice. आपने लास्ट टाइम भी तक मेरा ग्रिप का ब्लॉग देखा तो गाइज आपके राइट साइड पे ऊपर आ रहा होगा, क्लिक कर लीजिए राइट हैंड कैप है। तो गाइज वो मेरे फ्रेंड प्रतीक के बाइक पे फिट किया था, तो गाइज मुझे रेड कलर का काफ़ी अच्छा लगा तो मेरे पास उसके बाइक में फिट किया था। चलो हमारे बाइक में फिट करते, चलो गाइज देखते कैसे ग्रिप है और क्या है क्वालिटी। नॉट स्पॉन्सर्ड, अच्छा लगा तो खरीद लिया। ये रहा ग्रिप, ये रहा ग्रिप, ग्रिप ग्रिप बड़ा प्यारा सा है, सिंपल सी पैकिंग में आता है इतना, नो नथिंग दैट फैंसी। पता नहीं क्या ये बंग बॉन इसका जो कंपनी का नाम है, और सिंपल सी पैकिंग है गाइस। तो मुझे पड़ा था कुछ 200-250 का पड़ा मुझे ये, और ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, मेरे यहाँ पे लोकल शॉप में मिल गया, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। और बॉक्स वॉक्स तो ठीक है, पैकिंग ठीक है, इसको खोल के दिखा देता हूँ। स्टेपल लगे हुए हैं खाली, सील नहीं है। चलो खोल के दिखाता हूँ एक मिनट। गाइज ये रहा ग्रिप, इसके अंदर एक्चुअली एनग्रेव्ड है कंपनी का नाम, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। और आज जो मैंने बताया तो लास्ट आपने इसका वीडियो देखा है ग्रिप का, तो गाइज इसमें ना कुछ ऐसा कंटूर इसका जो होता है ना, एक पीक जैसा रहता है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। और इसके लिए मुझे काफ़ी ग्रिप पसंद आया, खासकर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये जैसे तो इसमें लास्ट में एलन की है, और एनएनकी वाला बोल्ट है और अंदर नट है, तो कहीं टाइट कर लीजिएगा, हमेशा टाइट करें, ये तो बाद में ये जाके गोल गोल होके निकल जाता है, ऐसा ना रोटेट होता है फिर निकल जाता है। चलो गाइस चालू करते हैं फिटिंग। और फिलहाल जो मेरी ग्रिप से गाइस वो मैंने काट दिया था, मैं DRL सॉरी वो बार एंड लाइट लगाने का प्लान कर रहा था, और बार एंड नहीं तो उसके बाद मैंने प्लान किया था, मैं आपको दिखा दो क्या है, रुको। सो मैंने जो बोला आपको बार एंड लगाने का प्लान किया था गाइस, बार एंड का प्लान मैंने कैंसिल किया, और वो नहीं तो उसके बाद मैं ये लगाने वाला था। ये मेरे एक ग्रिप थी मेरे पास स्पोर्ट्स, उसकी एंड है ये गाइस, आई गेस इसमें लग जाएगा तो मैं शायद थोड़ा इसको कस्टमाइज़ करूँ, इसका ये निकाल के इसमें ये लगा दूंगा, आपको दिखाता हूँ क्या बनता है प्लान, अभी आप वीडियो देखते रहिए। तो ये मैंने बोला उसके एंड में ना मैं 10 नंबर का नट वो वेल्ड करने वाला था, यहाँ पर मेरे पास सब पड़ा भी तैयार था, देख सकते हो इनमें से कोई ना कोई वेल्ड कर देता वॉशर के साथ। पर गाइज इन द एंड मेरे को प्लान लगा कि मैंने ना वेल्डिंग वो सब करने का रिस्क नहीं, और बार एंड तो मैंने इसके लिए कैंसिल किया गाइज। अगर आप चाहते हो बार एंड लगाने के लिए तो कमेंट कीजिए, पर मैं रिस्की है वो गाइज, हैंडल में होल्ड करो फिर यहाँ वेल्डिंग करो, मैं वेल्डिंग वो सब करने में से फिर आप समझते हो ना गाड़ी का ओरिजिनलिटी का इशू रहता है। चलो गाइज चलते हैं ग्रिप फिटिंग। और जी गाइज मैं सोचा आपको एक प्रोटिप भी दे दूँ, इसके आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर मेरा ग्रिप तो काटा, मैं पहले ग्रिप निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ग्रिप ऐसा निकल जाएगा अभी, सेंटर से मैंने खाली उसको स्लिट कर दिया है, वो तो चलो निकल जाएगा। तो गाइस जो मेन मेरा है मैंने बताया आपको इसमें, ये देख सकते हो मैंने अपने ग्रिप का भी एंड काटा है, पहले को मैं इसको निकालता हूँ एक सेकंड। हाँ जी तो निकाल दिया ग्रिप, और बात बताता हूँ मैं क्या है गाइस। जैसे कि आप जानते हो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया इसके अंदर एक बोल्ट होता है, अगर जो इस ये होएगा ना आपका एक्सेलेटर का गाइस, इसके ना यहाँ तक होता है ये प्लास्टिक के साथ इतना बाहर तक, कुछ 1.5 इंच पकड़ लो, वो जो 1.5 इंच का बात है ना गाइस, उसमें क्या होता है ना प्रॉपर ही फिट नहीं अंदर तक जाता है, ये बाहर ये देखो यहाँ पे वो पीस होता है, हाँ यहाँ पे वो पीस होता है इतना, और ये खाली ऐसा हवा में रह जाता है, और लास्ट का देख सकते हो आप काफ़ी अटक अटक सा जाता है, और आपको तक चाहिए ना आठ कैप प्लास्टिक का एंड कैप जैसा होता है, तो मैंने कहा वो पहले काट दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ अंदर और काट दिया, एक्चुअली मैं गैस वेल्ड करने वाला था इसको, और बाद में मुड़ किया भाई नहीं भाई क्यों रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं था, तो मैंने उसका रिस्क नहीं लिया। मैं एक मिनट को थोड़ा क्लियर ऑन दो, तो यह है इसका जो मैं बता रहा था प्रॉब्लम, तो मैंने काट दिया अभी तो सीधा मैं खाली ग्रिप लगा सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे एक एंड में एक और चीज़ प्लास्टिक का ऐसा उभरा हुआ सा होता है ऊपर हुआ, मैंने वो भी काट दिया ताकि मेरी ग्रिप पूरी अंदर तक जाए और कंप्लीट कूल फिट आए। चलो गाइस चलते हैं पहले ग्रिप फिटिंग का राइट से स्टार्ट करेंगे। सो जी गाइस एक साइड का ग्रिप लगा दिया और काफ़ी प्यारा लग रहा है, और गाइस जैसे मैंने बताया था वो कॉर्नर का काटा तो गाइस इस टाइम काफ़ी लीन फिट आया है, बहुत प्यारा है। और चलो गाइस दूसरे साइड का फिटिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ कैसा फिटिंग है।
तो गाइस कैसा लगा? अवश्य अच्छा लगा हो। और ये वाला भी मैंने दूसरा भी फिट कर दिया है, और वो मैंने कैसे तरीके से फिट किया मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। तो गाइस जो मैं आपको बता रहा था इसमें मैंने क्या किया है गाइस, ये पीट्स होता है, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये गाइस इतना लंबा होता है, देख सकते हो इतना, और ये इधर हो गया इतना छोटा सा, देख सकते हो इतना डिस्टेंस कम। सो गाइस मैंने क्या किया उसको ना, ये रिम से काट दिया। आई डोंट थिंक आपको गैप दिख रहा होगा, काफ़ी क्लीन कट करा था मैंने। तो गाइस हाँ देख सकते हो थोड़ा कटा कटा दिख रहा है, तो नहीं ना इतना क्लीन कट किया ब्लेड से क्लीन किया। और गाइस पहले मैंने आगे का इतना सा काट लिया रबड़ के साथ, इतना सा पीस काट के मैंने उसको पहले डाल दिया, और फिर मैंने मेजरिंग के हिसाब से कि देखने के लिए पूरा का पूरा ग्रिप का लुक आ रहा है गाइस। और ऐसा है मेरा ये तरीके का DIY। सो जी गाइस, आई विश यू लाइक दिस ब्लॉग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टिल द टाइम परमानेंट कमाल, पीस आउट। सो जी गाइस लाइक करके ज़रूर जाना, एफर्टेड ब्लॉग है, छोटा ज़रूर था पर वर्थ इट था। सो जी गाइस चलते हैं, और नवे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्यारे प्यारे और ऐसे ब्लॉग्स के लिए कमेंट कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, परम इन कमांड इंस्टाग्राम पर। बाय बाय।